सिपाहियों? सरदार। तो क्या वो है यहाँ? मेरे सरदार, वो आपकी शहजादी वहां पर छुपी है। अच्छा, वाकई? कौन है यहां, बताओ? इस कदर हसीन लड़की किस कबीले की है? बताओ ना मेरी प्यारी सी बेटी, कहां है? सब्ज आंखों वाली खूबसूरत लड़की कहां है? आप लोग जानते हैं मैं सारा दिन उसे ढूंढता रहा। वैसे वो कहीं नहीं जाती कभी भी अपने बाबा को बताए बगैर। खैर, तो वो सबसे हसीन और खूबसूरत बच्ची कहां है? आओ सिपाहियों, चल के ढूंढते हैं। अगर वाकई आपकी एक बेटी है तो वो मैं हूँ। मैं ही कबीले में सबसे खूबसूरत हूँ। चलो ठीक है, ठीक है मेरी बेटी, और तुम उसकी बड़ी बहन बनोगी। इधर आओ। मैं नहीं आऊंगी। देखो तो जरा। फातिमा, इधर आओ जरा। मैं आ गई। मेरी नन्ही सी शहजादी है ये तो। आपकी बहन ये भाई होगा। जैसे आपके भाइयों ने आपका ख्याल रखा है, बिल्कुल वैसे ही आप भी उसका ख्याल रखेंगी। आप तो बड़ी बहन होंगी। ठीक है, मैं उसका ख्याल रखूंगी, लेकिन सुने, मैं अब बड़ी हो गई हूँ। मेरे दो भाई भी हैं जो तलवार चलाते हैं। बाबा सुन लें, मैं भी बड़ियों की तलवार चलाऊंगी। देखो तुम इसे। सुनो, अगर आपको तलवार चाहिए तो मैं अपनी बेटी के लिए खुद बनाऊंगा तलवार। ठीक है, क्या आप कुछ और चाहिए? मुझे घोड़ा भी चाहिए। फातिमा, आप मेरे लिए तलवार बनाएंगे ना बाबा? हाँ ना, तुम्हारे लिए तो सबसे बेहतरीन तलवार बनाऊंगा मैं। आ जाओ मेरे साथ। जब तलवार चलाना सीख लूंगी आपके साथ लड़ने भी जाऊंगी। ओ, समझ गया। माशाल्लाह मेरी प्यारी बेटी, माशाल्लाह। चलो आ जाओ। अगर मैं आपको तलवार दूं तो आप क्या करोगी? जंग लड़ूंगी मैं। अच्छा, सिपाहियों आपने सुना, हम जंग में जाएंगे। माशाल्लाह मेरे हुजूर, माशाल्लाह। पीछा करते हुए इस मंगोल कमांडर जी के पास जा पहुंचा। ये आपसे मिलना चाहता है हुजूर।
हमारी मुलाकात हो ही गई उस्मान सरदार। कोनिया में आपके बारे में सुना, सुल्तान अलाउद्दीन ने भेजा है मुझे। हमारे कुछ मंगोल सिपाहियों ने हमसे बगावत की और वो भाग गए। मैं उनकी तलाश में हूं। मेरे जंगजों ने वादी में पड़ाव डाला है। मैं उस वक्त तक यहां रहूंगा जब तक उन्हें तलाश नहीं कर लेता। और तुम मुझसे क्या चाहते हो? इस जगह को आपसे बेहतर कोई नहीं जानता। मैं चाहता हूं कि उन्हें ढूंढने में आप मेरी मदद करें। देखा आपने, सुल्तान अलाउद्दीन ने भी यही हुक्म दिया है। ठीक है, मदद कर सकता हूं मैं, लेकिन मेरी समझ में नहीं आया कि सुल्तान अलाउद्दीन ने इस फरीजे के लिए मंगोल को रवाना क्यों किया। कोनिया में कोई सिपाही नहीं बचा क्या? आप इसकी वजह नहीं जान सकते उस्मान साहब। मुझे नहीं मालूम जिन तुर्क कमानों को मैंने देखा वो आपके साथ शामिल होना क्यों चाहते हैं। सुलामिश, आए दिन बगावत का आलम बुलंद किए हुए हैं। अगर तो उसे सरदारी दे दी जाती तो उस सूरत कोई बगावत सामने ना आती। फिर वो बुजदिलों की तरह भागो और ममलूक में पना ली। क्या डर नहीं लगता तुम्हें? नहीं, ये जिए जब कोई काम शुरू करता है तो उसे खत्म किए बगैर नहीं जाता। मैं उन डाकुओं को ढूंढकर अपने हाथों से सजा दूंगा। हुजूर, अली साहब कबीले आ रहे हैं। मेरे सिपाही तुम्हारा साथ देंगे। तो फिर ठीक है, उन्हें तलाश करते हैं। जरकुताए। जी हुजूर। इस पर और इसके कुत्तों पर नजर रखना। हुजूर, जैसे आपका हुक्म। सिपाहियों, मोहतात रहना। हम आप पर भरोसा करके निकले थे,
लिहाजा ये सिर्फ इन्हें गोल लेने से खत्म नहीं होगा। एक शख्स जो डाकुओं को काबू नहीं कर सकता, वो इन्हें गोल को कैसे संभाल सकता है? बहुत बड़े अल्फाज कह रहे हैं आप, लेकिन मैं नजरअंदाज कर देता हूं। अब घबराना बंद करें। जिसने भी ये किया है वो अपने अंजाम को पहुंचेगा। कारवान सराय में जब आप हमारा इस्तकबाल कर रहे थे, हमारे सिपाहियों को यहाँ मार दिया गया। अपने रास्तों का तो दिफा करना सीखिए। नहायत ही शर्म की बात है। अब आपको सोचना चाहिए कि अली साहब से क्या कहेंगे। आप बिल्कुल फिक्र ना करें, जिसने भी ये किया है हम उसे जरूर सजा देंगे, लेकिन अभी उनके पीछे जाने का वक्त नहीं। बात करके वक्त जाया करने से हमें कुछ हासिल नहीं होगा। कुतान, कबीले जाओ और उस्मान साहब को इतला दो, और हम उनका सुराग लगाएंगे जिन्होंने ये सब किया। इतला देकर वापस आना। जो आपका हुक्म हुजूर। उम्मीद है कि आप ठीक होंगी खवातीन। शुक्रिया मेरे हुजूर। माशाल्लाह। आ जाओ मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। खुश आमदीद अली साहब। शुक्रिया उस्मान साहब, ये एक नाकाबिल यकीन इस्तकबाल था। आपके सिपाहियों ने कमाल कर दिया। ये छोटे बच्चे काफी मजबूत नजर आ रहे हैं मुझे। ऐसा ही है। ये बिल्कुल अपने बाबा उस्मान साहब की तरह मजबूत होंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। चलो हाथ चूमो। छोटी बच्ची, आप बड़ी होकर एक मजबूत खातून बनेंगी, ये वाजे है। आपकी दादी हायमा वालदा एक मजबूत खातून थी। ऐसा लगता है आप थोड़ी शर्मीली हैं। हाँ,
जब पहली बार ये किसी से मिलती है तो बहुत शर्माती है, मगर काफी बातूनी है अली साहब। जब इसे आदत हो जाएगी तो ये अपनी बातों से आपको थका देगी। अल्लाह आपके बच्चों को लंबी उम्र दे। आमीन आमीन आमीन। आपसे अल्लाह राजी हो। शुक्रिया, बहुत शर्फ की बात है हमारे लिए आपका यहाँ आना। मुझे भी शर्फ मिला, शुक्रिया आपका। आप चुके बहुत दूर से आए, थक चुके होंगे। आइए पहले कुछ खा लीजिए, फिर आराम कीजिएगा। चलें इस तरफ। शुक्रिया। मुझे यहाँ का खाना खाए काफी अरसा हो गया है, मुझे काफी याद आया। शुक्रिया। लगता है कि वो लोग यहां से अलग हो गए हैं। कोनूर तुम उस तरफ जाकर देखो, हम वहां उस तरफ जाएंगे। मोहतात रहना, चलो। शुक्र है कि हम मुत्तहिद हैं अली साहब। अल्लाह का शुक्र है उस्मान साहब। जब मंगोल आसपास थे तो मेरा काफिला खतरे में था, लेकिन तुर्क साहब और उनके सिपाहियों ने साथ दिया और हमें महफूज करवाया। शुक्रिया आपका। शुक्रिया शुक्रिया। ये इसलिए कि आप हमारे दोस्त हैं, मुझे उम्मीद है आप भी हमारे साथ ऐसा ही बर्ताव करेंगे। सुलावेश की बगावत के बाद जो मंगोल बच गए थे वो सब यहां आसपास ही हैं, और वो मालिकान को जाने बगैर काफिलों पर हमलावर होते हैं, और दूसरी तरफ वो रोम है जो तैयार है हमले के लिए। इनागोल की फतह कुस्तुनतुनिया के लिए बहुत मुश्किल है उस्मान साहब। जब आप हमारे दुश्मन को इस तरह शिकस्त देते हैं तो हमें फख्र महसूस होता है। हाँ शुक्रिया, हम अपने नफ्स के लिए हरगिज फतह हासिल नहीं करते, सबसे पहले अल्लाह की रजा के लिए और फिर मुसलमानों की सलामती के लिए और सब मजलूम लोगों के लिए हम ये करते हैं। आपके पास अपने आबाओ अजदाद का दिल है। इनागोल की फतह दूसरी सूरत में नामुमकिन थी उस्मान साहब। आपका बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। हम अगर इनागोल की फतह हमारे ख्वाबों के लिए काफी नहीं है। आपके दिमाग में क्या है उस्मान साहब? बुर्सा। मेरा अगला हदफ बुर्सा है। तैयार हो बच्चों? निशानात यहीं तक हैं, लेकिन क्यों? आप हमारे माल की हिफाजत नहीं कर सके, आपको यहां के रास्ते का नहीं पता, और वो आपको इनागोल के मुहाफिज के तौर पर कबूल कर रहे हैं। तुर्कत साहब, आप कहना क्या चाहते हैं? क्या आपको लगता है कि हम बेवकूफ हैं? मेरा मकसद सिर्फ सच्चाई को बयान करना है, ना कि उसको छुपाना। तुम इतने मजबूत नहीं जितने नजर आते हो।
तुम्हारे पास रास्तों को महफूज बनाने तक की ताकत नहीं। तुम और तुम्हारा सरदार दोनों किसी काम के नहीं। जिस आदमी के बारे में तुम बात कर रहे हो वो मेरे भाई उस्मान साहब हैं। अपने अल्फाज पर गौर करो जरा। दुर्गत सरदार, बहुत बोलते हैं आप, कभी अपनी तलवार भी निकाल लिया करें। तुम अभी जवान हो, ऐसा मत करो वरना अपनी जान गवा दोगे। ये जहर आलूद है, शेर भी मर सकता है। मनसूबा काम कर जाएगा। जहर दुर्गत के जिस्म में दाखिल होगा। वो हमारे सिपाही नहीं है। अपनी तलवारें निकालो जल्दी। तुम इतने मजबूत नहीं हो दुर्गत, जितना तुम खुद को समझते हो। मुस्तफा को नुकसान नहीं पहुंचाना, हमारा मंसूबा बर्बाद हो जाएगा। उस्मान को हकीकत का पता चल जाएगा, दोनों हमारे दुश्मन हो जाएंगे। मुझे एक बात कहनी है। सिर्फ तुमसे कुछ ज्यादा नहीं कहूंगा। हमें अपने मंसूबों के लिए तुम्हारी जिंदगी की जरूरत नहीं। हम इंतकाम के पीछे हैं और तुम सोने के पीछे। अगर अहमद जिंदा रहता तो उस्मान कभी भी यकीन नहीं करता। तुमने सही कहा इसहाक, तुम होशियार हो, आर्यों से ज्यादा होशियार। जंग जीतने के लिए हजारों तलवारों की जरूरत नहीं। अगर जरूरत होती है तो सिर्फ एक खंजर की। कोई तेजी से इस तरफ आ रहा है। ठीक है तो फिर हमें जाना चाहिए, वो एक दूसरे को मार सकते हैं। बहुत खूब, क्या काई कबीले में सुराख लगाने का तरीका भी सिखाते हैं। काई कबीले में? हाँ, मैंने और भी तरीके सीखे हैं जिससे जालिमों को मिटा सकूं। निशाना ढूंढना मुझे पहले ही से आता है। ये सीखे हुए कितना वक्त हो गया? ये सब क्यों पूछ रहे हो? क्या तुम्हें मुझसे जलन हो रही है? मैं मंगोलों से बेहतर हूं। कोई नहीं है इस जमीन पर जो तुर्कों से बेहतर सुराग लगाते हो। इस तरफ। बुर्सा के लिए जैनी शहर इस्तेमाल करेंगे,
और यही वजह है कि पहले यानी शहर हासिल किया जाएगा। हाँ, मगर अली साहब, आपके तावुन की जरूरत होगी। अगर मैं मदद ना करूं तो मैं बदनसीब होऊंगा। आसानी से नहीं मिलता यह मौका। मैं आपके साथ हूं। हाँ, शुक्रिया। आपके सिपाही बहुत बहादुर हैं। उन्होंने सारे रास्ते में आपकी पैरवी की। वाकई उन्होंने तारीफ की। मैं उन बहादुरों से मिलना चाहता हूं। हुजूर, क्या मैं अंदर आ सकता हूं? हाँ, आ जाओ, आ जाओ ना। कावकासिया अपने उकाबों के लिए मशहूर है। तुरहान, ये वो है जिसने हमेशा मुझ पर जानी हमला करने वालों की जान ली है।